हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें हम जानने वाले हैं कि कम्युनिकेशन यानी कि होता क्या है, कम्युनिकेशन के ऐसे कौन से प्रकार होते हैं, कौन से टाइप्स होते हैं कि जिसकी वजह से हम हमारा जो मैसेज है वो दूसरे पर्सन तक पहुँचा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप एक सेफ्टी पर्सन हो और आपको आपके वर्कर हो या फिर आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक मैसेज पहुंचाना है, तो वो एक कम्युनिकेशन मीडिया हो जाता है जो आपको आपका जो मैसेज है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाना होता है। तो वो जो कम्युनिकेशन मीडिया है वो आप कैसे कर सकते हो, वो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कम्युनिकेशन यानी कि होता क्या है। तो कम्युनिकेशन के डिफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है या फिर जो भी हमारे आइडियाज़ हो या फिर ओपिनियंस हो जो हमें कन्वे करना होता है या फिर एक्सचेंज करना होता है दूसरे पर्सन को, वो हम जो है वो स्पीच के जरिए कर सकते हैं या फिर कोई लिख कर जो है वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर ग्राफिक के जरिए भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो है ये कम्युनिकेशन की डिफिनेशन आ जाती है कि जिसमें हम हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कन्वे करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं या फिर हमारे जो आइडियाज है या फिर ओपिनियन है उसको हम जो है वो एक्सचेंज करते हैं या फिर कन्वे करते हैं, वो भी स्पीच के जरिए या फिर लिखकर या फिर ग्राफिक के जरिए, तो उसे कम्युनिकेशन कहते हैं। अब जानते हैं कि कम्युनिकेशन के ऐसे कौन से वेज है, कौन से ऐसे टाइप्स है कि जिसके माध्यम से हम जो है हमारा मैसेज जो है हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। तो सबसे पहला कम्युनिकेशन मीडिया आता है वो है रिटन कम्युनिकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास एक नोटिस बोर्ड है तो उसके ऊपर कुछ लिख कर यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अगर प्रीवियस अगर एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी जो सारी डिटेल्स है सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था, इसमें क्या रूट कॉज था और ये ऐसा नहीं होना चाहिए इसलिए हमने क्या करना चाहिए, तो ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लिख कर नोटिस बोर्ड के ऊपर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की कम्युनिकेशन को रिटन कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर उसके बाद का सेकंड वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो है ओरल बात करना या फिर वर्बल बात करना यानी कि बोलना, तो वो जो है ये सेकंड कम्युनिकेशन में आता है। जैसे कि अगर हम किसी पर्सन को एक पर्सनल इंटरव्यू या फिर उनसे हम जो है पर्सनली बात कर रहे हैं, कुछ मैसेज दे रहे हैं या फिर टेलीफोन के जरिए जो है हम उसको कुछ मैसेज दे रहे हैं, तो वो जो है वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंडर आता है। और फिर उसके बाद का थर्ड कम्युनिकेशन है वो है नोटिसेस के जरिए, पोस्टर्स के जरिए या फिर फिल्म्स के जरिए, यानी कि जो हम ग्राफिक्स का इस्तेमाल जिसमें यूज़ करते हैं वो वे ऑफ कम्युनिकेशन आता है। उसमें हम क्या करते हैं कि हजार हो या फिर जो भी रिक्स हो या फिर से प्रैक्टिसेस हो या फिर कंट्रोल मेजर्स हो वो हम क्या करते हैं उसके ऊपर ड्रॉ करते हैं और उसका जो है वो अटेंशन इजीली आपके आई को कैच करना चाहिए, ऐसे हम उसको बनाते हैं। तो ये जो है ये थर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन में आता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कम्युनिकेशन के बारे में और डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।